मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि हमारे दफ्तर पर हमला किया गया। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि तहफ्फुज़ फराहम करे, आखिरी 10 दिन में यही होना है तो बता दिया जाए। कराची में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कराची के लोग अपने लोगों को वोट डालेंगे, हम साथियों की लाशें उठाने पर मुश्तइल भी ना हों। उन्होंने कहा कि हमारे साथियों की शहादत पर पीपल्स पार्टी ने जस्टिफिकेशन दी है, हम पुलिस से हिसाब मांगेंगे, पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि पुलिस जुल्म में बराबर की शरीक है, सबर का दामन हाथ से ना जाने दें, शहर का अमन खराब हो रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि बड़े ओहदों का कभी शौक नहीं था, मेरे पास सब कुछ है, मैं सिर्फ आवाम की खिदमत करने आया हूँ। मुल्तान में पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिसने हम पर एतमाद किया और वोट दिया, इसका एतमाद नहीं तोड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने थाना शादमान में दर्ज मुकदमे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद के खिलाफ 9 मई जलाओ घेराव के इल्जाम में थाना शादमान में मुकदमा दर्ज है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि सनम जावेद को थाना शादमान मुंतकिल किया जाएगा। वाज़ह है कि इससे कबल लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। सनम जावेद के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का मुकदमा मॉडल टाउन पुलिस ने दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि मैंने मियां साहब को मुबाहिसे का चैलेंज दिया है, मैं उनकी तकरीरें नहीं सुनता। रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए बिलावल ने कहा, शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल है, मियां साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मियां साहब जहां मुबाहिसा करना चाहते हैं आ जाए, मैं तैयार हूँ। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि कौम नून लीग और PP के झांसे में आने वाली नहीं। कोर्ट मोमिन में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर 80,000 अरब से ज्यादा का कर्जा है, मुल्क में 2 करोड़ अफराद बेघर हैं, मुल्क में 2 खानदानों ने इदारों, किसानों, मजदूरों को नुकसान पहुंचाया, आज हर पाकिस्तानी उन्हीं की वजह से मकरूज है। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि कर्ज उतारो स्कीम का जो पैसा आया था वो कहाँ गया, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की नहीं अमन, रोजगार और तरक्की की जरूरत है, मुल्क की मईशत की तबाही के यही 2 खानदान जिम्मेदार हैं, अगर 3 बार रहकर नौकरियां ना दे सके तो आज लोग PP नून लीग के झांसे में आने वाले नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आज ये फिर हुक्मरानी करने के लिए आ गए हैं। शहजादा कहता है, मेरे नाना और वालिदा वजीर आजम थी तो मैं भी बनूंगा। PTI रहनुमा बाबर रहमान ने कहा है कि ये एक खुशाइन कदम है कि अदालत को इजहार राय की आज़ादी का इल्म है। PTI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट बंद कर दी है, इस बंदिश का भी नोटिस लिया जाए। बाबर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बानी PTI का जेल ट्रायल अकवामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक चार्टर के खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट की तरह बानी PTI का जेल ट्रायल भी पब्लिक किया जाए। मजीद कहा कि सिर्फ शहादत कलम बंद करते वक्त बानी PTI को अदालत लाया जाता है, बानी PTI के मुकदमे में इंसाफ का कत्ल हो रहा है। नवाज शरीफ मुल्क नहीं सिर्फ अपना कारोबार संभाल सकते हैं, नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने का कोई चांस नहीं। Thank you.